हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मी एंड मेरी टिप्स। आज मैं आपके साथ इन पुराने बेकार हो चुके बल्ब का रीयूज करना बताऊंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने देखिए ये मॉडलिंग क्ले लिया है। इस मॉडलिंग क्ले को मैं निकाल लूंगी और इन पैकेट को मिक्स कर लूंगी। मैं पहले एक बल्ब को आपको बनाना बताऊंगी कि आप किस तरह इसको रीयूज करके अपने घर के लिए कुछ डेकोरेटिव आइटम बना सकती हैं। इसको आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। ये देखिए, जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ उसी तरीके से मिक्स करके इसको इस तरह पतला बेल लेना है। आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके इसको इस तरह पतला बेल लें और इसको इस बल्ब के ऊपर इस तरह आपको सेट कर देना है। ये देखिए, इस तरह आपको सेट करके मैं ये बर्ड का एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ये देखिए, मैंने ये रेडी भी कर लिया है। इस तरह आपको हल्के हाथों से इसको प्रेस करते हुए इसको बना लेना है। ये जब पूरी तरीके से बन जाए तो इसमें आगे की ओर चोंच और दोनों तरफ आइज आपको लगा देनी है, जैसे कि मैंने लगाया है। और चोंच को मैंने रेड कलर से पेंट कर दिया है और आइज को ब्लैक कलर से। उसके बाद में ये देखिए, मैं इसके बॉडी को येलो कलर से पेंट कर रही हूँ। इस तरह आपको इसको पूरी तरह से पेंट कर लेना है और पेंट करने के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए इसको पंखे में सूखने के लिए छोड़ दें ताकि ये अच्छी तरीके से इसका कलर सूख जाए और ये हमारे हाथों में चिपके नहीं। इसके बाद मैंने देखिए ये कार्डबोर्ड का टुकड़ा लिया है। इस कार्डबोर्ड के टुकड़े के ऊपर मैं इसको इस तरह से कागज़ से रैप करूँगी। ये देखिए, जैसे कि मैं रैप कर रही हूँ इसी तरीके से आपको रैप करके फेविकोल से इसको चिपका के इसको इस तरीके से रैप कर लेना है। उसके बाद में मैंने देखिए ये कैंडल लिया है। इस तरह कैंडल को भी आपको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेना है। मैंने इससे डेकोरेट किया है, आप इसकी जगह ग्लिटर से भी इसको डेकोरेट कर सकती हैं। उसके बाद मैंने देखिए ये हॉट ग्लू गन से, ये आर्टिफिशियल लीफ है, इसको मैं यहाँ सेट कर रही हूँ। अगर आपके पास हॉट ग्लू गन नहीं है तो इसकी जगह आप फेवी बॉन्ड से भी इसको यहाँ सेट कर सकती हैं। इस तरह देखिए, मैंने दोनों कॉर्नर में इसको सेट कर दिया है। इस तरह आपको दोनों साइड में इन आर्टिफिशियल लीफ को सेट कर देना है। इस तरह देखिए, हमारा कुछ इस तरीके से लुक आएगा। उसके बाद में जो हमने अभी बर्ड बनाई थी उसको भी मैं हॉट ग्लू गन से इसको यहाँ सेट कर दूंगी। ये देखिए, इस तरह इसको आपको यहाँ सेट कर देना है और ये हमारा रेडी हो गया है बनके एक कैंडल होल्डर। देखिए, लग रहा है ना खूबसूरत। इस तरह देखिए, कितनी कम चीज़ों से आप घर पे ही एक सुंदर सा कैंडल होल्डर रेडी कर सकती हैं और अपने घर को डेकोरेट कर सकती हैं। ये आप कहीं लिविंग एरिया में या तो बालकनी में या तो विंडो पे कहीं भी इसको रख सकती हैं। ये देखिए, लाइट ऑफ करने पे कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा ये कैंडल होल्डर। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और मेरे इस चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।